चंदौली जिले की। चंदौली जिले में क्या रह सकता है नतीजा, तीन पत्रकारों की राय क्या है, उन्होंने क्या देखा चंदौली में, आइए आपको फटाफट से बता देते हैं। पोल ऑफ पोल्स है चंदौली की, चार सीटों का। आनंद सिंह तीन दे रहे हैं भाजपा को, एक सपा को। गणपत राय तीन दे रहे हैं भाजपा को, एक सपा को। और शक्ति सिंह भी ऐसा ही इंडिकेशन दे रहे हैं। स्नेहा, बड़ी खबर बताइए। इन तीनों बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल चार्ट आपने देखा, अब इसका एवरेज तो जानिए, क्योंकि चंदौली की बड़ी तस्वीर वही है। बीजेपी के खाते में तीन सीटें जाते दिखाई दे रही है, सपा के खाते में एक सीट आएगी, यहाँ पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। अगर जिक्र करते हैं चंदौली का, ये बड़ी तस्वीर है, तो देखिए चंदौली की बड़ी तस्वीर ये है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए राहत है, क्योंकि चार सीटों में तीन सीट तो बीजेपी के खाते में जाती है, सपा की एक सीट निकलती जा रही है, ये दिखाई देता है पत्रकारों को। ध्यान से सुनिएगा, पत्रकारों को, तीन बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल और उसका एवरेज यानी औसत, उसका ये आंकड़ा हमने रखा है चंदौली के। अगर परिदृश्य में देखें वहां पर किस तरीके की लहर रही, अंडर करंट रहा, ये सब कुछ पांच साल ये पत्रकार खूब भांपे हैं, चुनाव को नजदीक से देखे हैं, और सिर्फ ये चुनाव नहीं, दशकों का अनुभव है। इसीलिए उनसे हमने पूछा तो उन्होंने सीटों का बंटवारा करके दिया। तीन पत्रकारों ने जो बंटवारा किया चंदौली के इन सीटों का, उसका एवरेज भी तो निकलता है, और यही बड़ी तस्वीर है जो मैं आप तक लगातार पहुंचा रही हूं। और एबीपी गंगा ने ऐसा 75 जिलों के साथ किया है, ताकि एक एक सीट पे नजर रखने वाले इन तीन पत्रकारों की राय कितनी मिलती है, कितनी डिफर करती है, और उनका मीन कहां से है, उनका मीडियम यानी उनका एवरेज कहां से निकलता है, ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बड़ी तस्वीर तो वही हुई ना, इन तीनों पत्रकारों का अपना अनुभव और उसका असर।